एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शादी की एल्बम। मेरी आने वाली है एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, 14 एनिवर्सरी। तो मैं मायरा को बता रही थी कि मायरा, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है। तो मायरा कह रही थी, मम्मा आप शादी में कैसी लगती थी, मुझे देखना है। तो इसने मेरी शादी की एल्बम शायद देखी भी नहीं है अभी। भाई की फर्स्ट बर्थडे की एल्बम, ये नवे है। हाँ हाँ, ये नवे है, ये पापा। देखना मम्मा कैसी थी। मम्मा जब तो बहुत क्यूट थी, सुंदर सी थी। देख ये नवे है और ये दादी है। हाँ ये मत देख, मेरी शादी की दिखा, शादी की दिखा दे। दिखा रही है, है? ये भी नहीं है, ये ना कुआ पूजन की है। कुआ पूजन में भी मैं दिखाऊंगी मैं कितनी मोटी थी मायरा। फिर मैंने अपना मम्मा बता रहे हैं, मैं पीछे जाऊंगी यार। और ये मैं थी, मैं देख कितनी मोटी थी। हाँ रो रहा क्यों था? हाँ ये छोटा सा था ना बिल्कुल, इसलिए रो रहा था। ये पापा है, देख मैं कितनी मोटी थी। शादी की दिखाने की जगह, शादी की दिखाने की जगह वो मायरा ने ये खोल ली थी ना, तो इसलिए कह रही थी मैं इसलिए दिखाने लगी। तो मैं क्या हालत हो रखी है, 14 ही हुए और ज्यादा भी नहीं हुए। ये फर्स्ट फेज मेरी सालगिरह का 21 अप्रैल 2008 विवाह रेनू जितेंद्र विट्स रेनू। हट जा, कैसी लगती थी खतीजा पहले बता। चल रही है और अब क्या हूँ मैं चौधरी की। ये है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। पापा देखना कैसे, पापा देखो कैसे ब्लैक एंड व्हाइट कर रखे हैं। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, पहले अच्छी लग रही है। हाँ इसको ऐसे दिखाना। ये थर्ड है, थर्ड पेज है। मुझे भी बोलना नहीं आ रहा, रात को रात चुप। ये देखो ये है गुड़चड़ी का फोटो है। ये क्या गुड़चड़ी का? ये मेरे पापा है, ये फादर इन लॉ, ये फादर लग रही है ना सेम। बिल्कुल आपकी तरह लग रही है। बेटा तेरी मम्मी के साथ तो वही कम थी, तो तेरी सकल नामोनिशान भी नहीं था। हाँ तेरा नामोनिशान भी नहीं था, बस मेरी जो भी फोटो है ना वहाँ ही है। नव्या तो हुआ था, ये वरमाला है खतीजा। हाँ वरमाला है ये पापा फेरे लिए गए थे स्टेज पे, स्टेज पे वो था ये वरमाला। ये फटी हुई कॉपी है। ये मामा है, ये मेरे मामा है, ये पतिदेव। ये ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे क्यों खड़े यहाँ पे आप ऐसे झुके हो? ये फेरों के लिए खड़े हो रहे थे ना हम, फेरों के लिए खड़े हो रहे थे। ये मेरे चाचा है। मैं भी तो छोटी थी, 17 की थी ना। तो वैसे तुम भैया और आपकी चाचा और मेरे पापा ये वाले ये बैठे, ये रोहित भी है। हाँ रोहित भी है। कितने पतले थे रोहित भी, पहचान में भी नहीं आ रहे। बिल्कुल पतले थे ना। ये कौन है? ये विक्की भी है, ये तोसी भी है। बता दिया ये तोसी। हाँ और ये अक्की। अक्की कौन? बुआ का लड़का। और ये तो वो है ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा। विक्की छोटा सा कितना छोटा। ताई जी हैं जो को कन्यादान कर रही थी मेरा, ये भी ताई जी हैं। ये बड़ी वाली भाभी है सबसे, ये हम दोनों हैं। कैसे बैठे बीच वाले भाई नितिन भैया। नितिन भैया ही है। पहले कैसे थे अब कैसे लग रहे बताना? पहले सब छोटे थे यार, बहुत समय बीत गया, 14 बहुत लंबा होता है। और हमारी हो गई शादी सिंदूर मांग भरी जा रही है। हाँ मांग भरी जा रही है। ये इनका टीका कर रहे हैं बड़े वाले भाई, टीका दे रहे हैं आशीर्वाद हम दोनों को। कैसे थे पहले चचू, कैसे बैठे हुए हैं? इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली शादी होने के बाद। विदाई का समय। ये मेरी माँ देखो कैसे रो रही है बेचारी। अभी भाभी भी रोते दिखेंगी आपको अच्छी वाली। देखो मेरे तो मेकअप भी उतर गया था रोते रोते बिल्कुल।
अब ऐसी आ रही है, पर मैं बहुत रोई थी। देखो बिल्कुल मेकअप उतर गया मेरा। रोने का क्या फायदा है, क्योंकि एक बार तो जान नहीं होता सबके। मैं रो रही थी, देखो कैसी शक्ल बना रखी है गंदी वाली। विदाई में पैसे मिल रहे, क्या बात है। हाँ देख घूंघट ना करा, तब भी मैंने इतनी बे आई घूंघट ना हटाई आपने। हाँ, कार जा रही नहीं करा, देख खत्म भाई ये जा रहे हैं अम्मी अभी भी बैठ के। इसे भी ज्यादा गंदी में लग रही रिसेप्शन पे। अभी मैं सोच रही हूँ रिसेप्शन की दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। दिखा दूँ मैं तो आपको जानकारी नहीं थी ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। जब जानकारी होती तो फिर तो तुम पता क्या नहीं थी ना, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। जो पहनाया वो हमने पहन लिया, ठीक है। अब तो दिखाऊंगी मैं अपनी तरह, दिखाती हूँ ना, दिखा देती हूँ अपनी रिसेप्शन की। मैं सोच रही हूँ मैं बहुत गंदी लग रही थी रिसेप्शन में वैसे। चलो दिखाई देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। ये देख गंदी का ठीक ही लग रही है, पतली पतली थी। पतली थी, रिसेप्शन की स्टेज है ये। घर में ही लगी थी मेरी, स्टेज भी नहीं लगी थी। और ठीक तो लग रही है बिना उसके भी। यहाँ पे देखो स्टेज लगी थी हमारी घर पे ही। सबसे बड़ा वाला भाई है वो राजेश भाई। हाँ ये बुआ जी, ये बुआ जी, ये भाभी, ये चाची। ये वो इनका नाम क्या? ये विश्वेंदर करने वाले कैप्टन। ये देखो ये है वीडियो। इसे कहते हैं ये रहा, इसे अरे भाभी गलत है, ये कहते हैं इसे कहते हैं इसके इनकी आंख देखना यार। नींद में कितनी फोटो सही थक गई। कार्तिक भी कितना छोटा था देख। कार्तिक पहले छोटा अच्छी नहीं आ रही थी बेटा, पर सुंदर थी तब। मैं अभी तो बेकार लग रही हूँ। कहीं नहीं अभी भी सुंदर ही हो। ये पूरी फैमिली है, ये पप्पू मामा है, ये मामी है, ये मतलब मम्मी के मायके वाली फैमिली है। हमारा घर कितना स्वीट होम। ये भाभी, ये मालती भाभी, ये एमपी भाभी, ये नहीं पता। ये मेरी कजन सिस्टर। और ये भी कजन सिस्टर है, इसकी भी शादी होगी, दो बच्चे हैं इसके भी। ये बड़े वाले भाई हैं। ये कितने मोटे थे पहले, कितने सूखे सूखे थे ये बोलो। ये तो मोटे थे। हाँ भैया मोटे, तो भैया तो अब भी मोटे हैं। रोहित कितना कमजोर था, और कमजोर भी तो रोहित पे लग भी नहीं रहा कि रोहित भैया थे। कितना कमजोर था पहले। और मैं देख, मैं अपनी पता नहीं मेरी क्या टेंशन, भाभी की दांत दिख रही है दांत। मैं किस बात नींद में थी पता नहीं, थक रही। हाँ पता है सबको, जानते हैं पूजा भाभी। हर वीडियो में देखना इनकी आंख को, कितनी अच्छी लग रही है यार। बहुत शर्मीली थी मैं, इनोसेंट थी तब। पहले सब शर्माते हैं, इनोसेंट सा फेस तो वो ही था मेरा। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माती, अब तो रोडों पर वीडियो बना लेती है। मैंने आपसे शेयर किए कुछ मोमेंट अपनी शादी के, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आपको 14 साल पहले कैसी लगी थी। मेरी एल्बम मतलब है, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, कोई अच्छा नहीं लगता। अब टाइम के हिसाब से है, पहले अपने टाइम के हिसाब से थे। तो जो भी है जैसे भी है बताना, ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी शादी की एल्बम। जो वैसे मैं शादी के टाइम पे अच्छी नहीं थी, बिल्कुल कमज़ोर थी, अजीब सा ना पहनना आता था ना कुछ भी, पर बताना ज़रूर। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।